फरवरी से दिल्ली गवर्नमेंट के आदेश के हिसाब से 9वीं 11वीं 5 फरवरी से शुरू हुआ था, 10वीं 12वीं 18 जनवरी से शुरू हुआ। तो ये बच्चे रेगुलरली ऑफलाइन में आए हैं, महीना इन्होंने ऑफलाइन में पढ़ा है, और अभी हमने जो डेट शीट भी बनाई है उसमें हमने 3-3, 4-4 दिन की छुट्टी भी दी है, ताकि उसमें भी हमारे टीचर क्लासेस लेंगी, क्योंकि बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा है तो हम चाहते हैं ऑफलाइन का तो जितना एक्सपोजर मिल जाए वो उनके लिए अच्छा है, रिजल्ट मैंने इस स्कूल की ख्याति बहुत सुनी। कई स्थानों पर कई अच्छे परिवारों में बड़े लोगों ने स्कूल की चर्चा की, तो मेरे मन में था कि मैं एक बार स्कूल में जाकर के वहाँ का कैसा वातावरण है, कैसे वहाँ के टीचर्स का कैसा वो है, वो देखने की मेरी इच्छा थी। तो आज जैसे आया मैंने देखा कि टीचर्स का और जो भी है, मैं 500 स्कूलों में गया हूँ और मैं हर एक से पूछता था व्हाट डज इट मीन नन बट द टीचर कैन मेक द नेशन ग्रेट। इतना सरल, सहज और स्टीक उत्तर मुझे नहीं मिला। बहुत सारे टीचर्स मैं पूछता था बताइए इसका क्या मतलब है, लेकिन जैसा यहाँ पर ज्योत्सना जी ने जो बताया एकदम से कि सभी प्रोफेशनल्स को बनाने वाले टीचर हैं, तो एकदम स्टीक उत्तर था और उन्होंने सरलता से उत्तर दिया। तो सभी टीचर्स इसी कैलिबर के हैं, मेहनत करते हैं। जितना मैंने उनसे और निवेदन किया है कि राष्ट्र निर्माता के रूप में अपने दायित्व को मान करके समर्पण जितना अधिक हम करेंगे उतना ही अधिक ये स्कूल आगे बढ़ेगा, इसका नाम आगे बढ़ेगा, बच्चों को इतनी ही ऊँचाइयों पर जाने का मौका मिलेगा। यही आज का हेतु था, यहाँ आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल का वातावरण भी, स्कूल की सब प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर भी, और जिस तरह का यहाँ स्टाफ और मैनेजमेंट का आपस में प्यार प्रेम है वो भी सराहनीय है, अच्छा है। बस इतना ही है, मैनेजमेंट के लिए है कि वो टीचर्स को ऐसा महसूस कराएं, ऐसा उनको एहसास हो कि ये स्कूल, ये हमारा परिवार है, एक पारिवारिकता का भाव मैनेजमेंट के द्वारा टीचर्स में निर्माण हो और टीचर्स के द्वारा बच्चों में ये निर्माण हो, बच्चे ये समझें कि मेरे जीवन के निर्माता के रूप में ये स्कूल है, ये टीचर हैं, उनके प्रति श्रद्धा बढ़े, बच्चों के प्रति टीचर्स का और प्यार बढ़े, समर्पण बढ़े, इसी से देश आगे बढ़ेगा। यही मैं मैनेजमेंट को भी और टीचर्स को भी यही निवेदन करता हूँ।